नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा तिथियां घोषित की गई है उस बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, सभी की दोस्तों जो परीक्षा तिथियाँ हैं वो घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ में चाहे आप एमए के हो, एमएससी के हो, एमकॉम के हो, सभी की परीक्षा तिथियाँ दोस्तों घोषित हो चुकी है। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर 15 विश्वविद्यालयों को दोस्तों ये नोटिस है वो राजस्थान सरकार के द्वारा भेजा गया है। कौन कौन से विश्वविद्यालय है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। दोस्तों, सभी के लिए ये न्यूज है वो मान्य होगी। और ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं की घोषणा, आयोजन परिणामों की घोषणा एवं पाठ्यक्रम के संबंध में कार्य योजना बनाने बाबत, यह आप देख सकते हैं महोदय, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कोविड-19 के प्रभाव स्वरूप विश्वविद्यालयों की सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का आयोजन तथा परिणामों की घोषणा आदि पर विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 17 फरवरी 2021 को आयोजित ई मीटिंग में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार कार्य योजना बनाकर कार्य करने के उपयुक्त पाया गया है। दोस्तों, क्या क्या दोस्तों मैं आपको बता दूँ, नियम बनाए गए हैं, यह आप देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों को यथावत रखते हुए प्रश्न पत्र की यूनिट की बाध्यता को हटाकर आंतरिक विकल्प परीक्षार्थी को देना उचित होगा। यानी सबसे बड़ा बात दोस्तों कि सिलेबस में किसी भी प्रकार की आपके कमी नहीं की जाएगी। यानी दोस्तों सिलेबस आपका है पूरा रहेगा, लेकिन आपको दोस्तों जो यूनिट की बाध्यता है उससे छूट दी जाएगी। उसका क्या मतलब है मैं आपको दोस्तों दूसरे पॉइंट के माध्यम से बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे करते हुए प्रश्न पत्र को आनुपातिक रूप से 60% प्रश्न ही हल करने का विकल्प दिया जा सकता है। यानी दोस्तों अब आपका जो पेपर है वो 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का होगा और आपको केवल 60% ही पेपर है वो ही हल करना होगा। इसका मतलब है दोस्तों, पहले जो आपको 5 यूनिटें करनी होती थी उनमें से अब आपको केवल दोस्तों यदि आप 3 यूनिट भी पढ़ कर जाते हैं तो आपके 70% मार्क्स है वो बनेंगे। और ये दोस्तों आप इस पत्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य होगा। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से है वो संबंध क्यों न रखते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को पहले पूरा देखें जरूर और उसके बाद हर विद्यार्थी तक पहुंचाना आपका नैतिक कर्तव्य है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं 15 अप्रैल 2021 से प्रारंभ की जा सकती है। यानी दोस्तों जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 अप्रैल 2021 से है वो प्रारंभ किए जाएंगे। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, स्वयं पाठी डिग्री एवं डिप्लोमा परीक्षार्थियों की परीक्षा 15 अप्रैल 2021 से आरंभ की जा सकती है। और साथ ही साथ में दोस्तों जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके भी एग्जाम है वो 15 अप्रैल से प्रारंभ हो सकते हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 15 मई 2021 से प्रारंभ की जा सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं से पहले करवाने को प्राथमिकता दी जाए। यानी दोस्तों जो रेगुलर स्टूडेंट है जो उनकी एग्जाम्स है वो दोस्तों 15 मई से है वो प्रारंभ की जाएगी। यानी दोस्तों 15 मई के करीब करीब आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसमें भी दोस्तों सबसे पहले फाइनल ईयर के एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम लगभग मिड मई में स्टार्ट होंगे और उसके बाद में फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर के एग्जाम है दोस्तों वो लगभग मानकर चलिए जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। और ऐसा इसमें है कि 15 मई से एग्जाम स्टार्ट करने हैं और पहले अंतिम वर्ष के करने हैं, उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं आगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद करवाई जाए। यानी दोस्तों जो पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो अभी जनवरी तक जाकर के पूर्ण हुई है तो उनकी जो एग्ज़ाम है वो सबसे लास्ट में लगेगी और दोस्तों जुलाई के सेकेंड वीक में है वो उनके एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है वो बताई जा रही है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम आवश्यक रूप से 31 जुलाई 2021 तक घोषित किए जाने चाहिए ताकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों
विद्यार्थियों को अन्यत्र अध्ययन करने जाने अथवा रोजगार प्राप्त करने में कोई विलंब ना हो। यानी दोस्तों जो फाइनल ईयर के एग्जाम हैं, चाहे वो एमए एमएससी एमकॉम हो, चाहे बीए बीएससी बीकॉम हो, उनके जो दोस्तों परीक्षा परिणाम है एग्जाम के, वो 31 जुलाई 2021 तक है वो घोषित कर दिए जाएंगे। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाले पाठ्यक्रमों का निर्णय विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर सकते हैं। यानी दोस्तों जहाँ जहाँ सेमेस्टर पद्धति चल रही है वहाँ का जो निर्णय है वो यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है कि वो अपने स्तर पर निर्णय करें कि उन्हें कब एग्जाम लेने हैं। अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपयुक्त सुझावों के अनुसार कार्य योजना बनाकर सक्षम निकाय से अनुमोदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर मोहम्मद नईम संयुक्त सचिव है उच्च शिक्षा विभाग के। तो दोस्तों ये निर्णय है वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए लिया गया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करके इस बात की जानकारी दे दीजिए कि उनके दोस्तों पूरी तरीके से परीक्षा कार्यक्रम परिणाम का घोषणा और पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सिलेबस को एक प्रकार से कम नहीं भी किया गया, एक प्रकार से दोस्तों आपको केवल 3 यूनिट पढ़कर भी आप 100% मार्क्स बना सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी अनुरूप करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से शेयर जरूर करें। विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।